तो हम आपको भी अब वृंदावन लेके चलते हैं हमारे साथ, जाकर देख कर आओ कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो मम्मा का बहुत मन था वृंदावन से शॉपिंग करने के लिए। जन्माष्टमी में भी हमने बहुत कुछ डिसाइड करा है, हमने बहुत अच्छा डेकोर डिसाइड करा है, जो उसका भी हम एक स्पेसिफिक व्लॉग बनाने वाले हैं, इसलिए हम स्पेशल वृंदावन गए थे। किस लिए वो गए थे? शॉपिंग करने, वहाँ पर साड़ी की साड़ी क्या क्या आइटम्स हमने ली है, ओके, कृष्ण जी के वस्त्र सब कुछ जो जो हमने लिया है आप खुद एक बार देखो, ओके। और अभी भी टाइम है जन्माष्टमी में, तो अगर आप अगर लेना चाहते हो वहाँ से तो आप जा सकते हो, ओके। सो सेकंड चीज गाइस, सेकंड चीज कि हम लोगों ने ना पूरा बताया है व्लॉग में कि अगर आपको जाना है तो इजीली कहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पर क्या फैसिलिटीज है, कहाँ पर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ना दिल्ली से जो जाते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ का खाना थोड़ा सा टेस्ट में अलग होता है दिल्ली से, तो वहाँ दिल्ली वाला खाना भी मिलता है। हम लोगों ने ट्राई किया तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, तो ये व्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो गाइस व्लॉग को एंड तक देखना, स्टे ट्यून। और अब चलते हैं हम आपको लेके वृंदावन की गलियों में। और गाइस ये है वृंदावन की गलियां, ये जो भी आप देख रहे हो ये बांके बिहारी मंदिर के आसपास वाली मार्केट है। यहाँ पर कान्हा जी की पोशाक से लेके श्रृंगार से लेके सब कुछ मिलता है, और वो भी बहुत सारी वैरायटी में। और गाइस इन गलियों में आके सच में इतना सुकून मिलता है ना कि आप जितने मर्जी परेशान हो लेकिन यहाँ पर आते ही बहुत सुकून मिलता है। तो गाइज अभी हम कान्हा जी के लिए झूला ले रहे हैं, और आप मेरे बालों में जो गजरा देख रहे हो ना, ये गजरा मुझे इस्कॉन टेम्पल से मिला था। और गाइज अभी हम कान्हा जी के लिए ड्रेसेस भी ले रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए आए हैं, तो हम लगे हुए हैं कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेने के लिए, और आजकल तो बहुत भीड़ है वहाँ पर। तो ये तो मैं आ गई, मेरे को तो आप जानते ही होगे मैं आपकी राशू। और मैं ले रही हूँ ये अपने लिए कुर्ता, क्योंकि मैंने स्कर्ट परचेज करी थी तो मैं उसके साथ ये कुर्ता पहनना चाहती थी। कमेंट करके बताओ फटाफट कैसे लग रहा है, पर एक प्रॉब्लम है, मुझे ना मेरा साइज नहीं मिल रहा है। ओह ये तो बारिश होने लग गई। और ये आ गया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने लिए जन्माष्टमी के लिए कुर्ता ढूंढ रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ वाइट और येलो में। ये रहा वाइट वाला, अब गाइस देखो कि ये अच्छा लग रहा है नहीं, बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसके डिज़ाइन मेरे को ना इतने खास नहीं लगे, बट जो येलो वाला था मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट उसमें भी एक दिक्कत आ गई, वो क्या, उसमें मेरा साइज़ नहीं था, बट ये येलो कुर्ता मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, बट मैं ले नहीं पाया, तो मैं भी आगे देखूँगा। राशि अब दूसरी जगह देख रही है वो सेम टॉप, बट उसको यहाँ पर भी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसको जो उस कलर चाहिए वो कलर मिल ही नहीं पा रहा। और ये रहा मैं वही येलो कुर्ते पे अपना साइज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार किसी दुकान पे बड़ा मिल रहा है और किसी दुकान पे छोटा, आप देख ही सकते हो ये कुर्ता कितना बड़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, सो मैं ले ही नहीं पाया वो कुर्ता। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पर बच्चों के खिलौने, पूजा का सामान, धूप बत्ती, चूड़ियाँ, चंदन माला, लड्डू गोपाल की पोशाक, लड्डू गोपाल, राखियाँ, बहुत कुछ मिल रहा था, और धूप बत्ती, प्लेट, सब कुछ यहाँ मिल रहा था। ये बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सुंदर भी। ये देखो मम्मी और नव्या हमारे लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा छाता भी ले रही है, जो कितना क्यूट लग रहा है। और गाइस ये मैं आपको बताना कैसे भूल सकती हूँ, ये है वृंदावन की सबसे 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 मशहूर टिक्की। और गाइस ये टिक्की सीरियसली में ना बहुत ज्यादा स्वाद है। और ये लस्सी, इस लस्सी का तो कोई जवाब ही नहीं है, मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ कम से कम 10 गिलास पीती हूँ।
ये देखो गाइस, मम्मा मुझे यहाँ पर टिक्की खिला रही है, बट मैं खा ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरी डाइट की वजह से मैं खा ही नहीं पा रहा था। और मेरी टिक्की इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये देखो, और यहाँ मम्मा लस्सी पीते हुए और मुझे चिढ़ाते हुए, और ये देखो हमारे छोटे से कान्हा जी जो पी रहे हैं लस्सी, कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी अभी दिखाएगी ना अभी आपको, ये देखो गाइस कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और ये देखो हमारे पास दो बंदर भी है जिनको लस्सी पीनी बिल्कुल नहीं आती। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसलिए मैं थक गई हूँ। और अभी हम आए हैं इस शॉप पे अपनी डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, और ये है हांडी, और यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशन का सामान है और बहुत सुंदर सुंदर भी। ये है मोर पंख, और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना ये सारी हांडी। हम ये सारा चीज़ यूज़ करके ना जन्माष्टमी में बहुत अच्छी डेकोरेशन करने वाले हैं। और ये है कान्हा जी और गौ माता जो बहुत सुंदर लग रही है, ये सब भी हमने खरीदा है अपनी जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए। और हम ना बहुत धूमधाम से मनाने वाले अपने कान्हा का बर्थडे। गाइस हम एक शॉप पे गए और आप देख सकते हो ये कान्हा जी का झूला जो हमने जन्माष्टमी के लिए देखा था, ये इतना ज्यादा सुंदर है जो हम सबको बहुत ही पसंद आया था। और गाइस ये है रिद्धि का पोशाक केंद्र, इसके बारे में ना बहुत कम लोगों को ही पता है, तो चलो मैं आपको आज ये अंदर से दिखाती हूँ। और ये रहा प्रॉब गाइस, ये देखो ये कितना बड़ा है, और यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेसेस होलसेल पर मिलती हैं, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की। हमने भी ये पहली बार देखा था, और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये व्लॉग में भी दिखा रही हूँ। तो अगर आप कान्हा जी की ड्रेसेस लेने जाते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर जाना, और यहाँ पे कान्हा जी की पोशाक, गहने, नाइट सूट, झूला सब कुछ मिलता है, वो भी एकदम होल सेल पर। तो गाइज एक बार आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो, आपको सीरियसली में बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस सिलेक्शन हो रही है उनके बर्थडे के लिए, और मेरे को तो ये काफ़ी अच्छी लगी ड्रेस। और हमने इसके बाद और भी बहुत सारी ड्रेस ली हमारे लड्डू गोपाल के लिए। ले रही हूँ प्रभ के लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के लिए, और ये मैंने मेरे छोटे लड्डू गोपाल के लिए लिया है। नहीं नहीं ये वाली नहीं ली थी, ये वाली ली थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, सेम सेम कलर है ना। और गाइस प्रभ ने सारी शॉपिंग पैक कर ली और निकल गए घर के लिए। एक मिनट, आप अब हमारे छोटे लड्डू गोपाल को मिस नहीं कर रहे हो क्या? आपको पता है वो कहाँ है? आगे देखो व्लॉग, फिर पता चलेगा वो कहाँ बिजी है। ओ ये क्या हो रहा है, नवे और प्रभ कुल्फी खा रहे हैं, प्रभ खुद तो खा नहीं सकता कुल्फी, और नवे और मम्मी को कुल्फी खिला खिला के मोटा कर रहा है। और ये रहे मेरे प्यारे छोटू से लड्डू गोपाल, इनको हमने श्रृंगार कराने के लिए दे रखा था, तो ये अपना श्रृंगार कराने में बिजी थे, तो अब हमने छोटे और बड़े दोनों लड्डू गोपाल को ले लिया। और गाइज जब आप वृंदावन से बाहर आओगे तब आपको ये श्री जी रेस्टोरेंट मिलेगा, तो ये रेस्टोरेंट जो है ये सीरियसली में गाइस बहुत अच्छा है, और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ आए थे चाय पीने, लेकिन हमने चाय के साथ चिली पोटैटो भी खा लिए, टमाटो सूप भी पी लिया, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी है और अच्छा भी है। तो एक बार आप यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करना। एंड गाइस सेकेंड चीज़, वृंदावन के अंदर ब्रिजवासी, और ब्रिजवासी के सामने ही रॉयल दिल्ली और रॉयल इंडिया करके दो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गाइज ये है हमारे पास एक चलता फिरता नमूना जो कहीं भी कभी भी चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। चलो गाइज अब हम चल रहे हैं घर के लिए, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। ये क्या कर रही है? आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। बस फिर तो दिल्ली पहुंचेंगे भैया, रेस्ट करेंगे, नवा गाड़ी चलाएगी। वाओ फिर तो हम पहुंच गए, नवा को बस स्ट्रीक बनानी है। सो गाइज नवा के सारे स्ट्रीक वाले दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ, सब झूठ है, इसको कुछ गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, बस ऐसे हाथ रख के स्ट्रीक भेज रही है। ये देखो तमीज लड़की की बातों में मत आना। और गाइज ये एक बार बोर्ड भी देख लो आप दोबारा से, ताकि इफ यू वांट अ कॉन्टेक्ट तो आप कर सको।